आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं राकेश नायक। आज हम ब्रेड फर्स्ट सर्च के बारे में बात करेंगे, जो कि एक ग्राफ ट्रावर्सल एल्गोरिथम है। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन में भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रेड फर्स्ट सर्च। अगर हम कोई ग्राफ दिया है और हम सिस्टमेटिकली एजेस और वर्टिसेस को फॉलो करते हुए सारे के सारे वर्टिसेस और एजेस को कवर करते हैं, तो इसको ग्राफ सर्चिंग या फिर ग्राफ ट्रावर्सल एल्गोरिथम कहते हैं। बेसिकली ग्राफ ट्रावर्सल एल्गोरिथम दो तरह का होता है, एक तो है ब्रेड फर्स्ट सर्च और दूसरा है डेप्थ फर्स्ट सर्च। आज जो है हम ब्रेड फर्स्ट सर्च के बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम ब्रेड फर्स्ट सर्च के बारे में जानें, चलिए देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। बेसिकली हम ब्रेड फर्स्ट सर्च को कनेक्टेड कंपोनेंट फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, या फिर कोई एक ग्राफ में साइकिल है या नहीं उसको फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, कोई एक ग्राफ का शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस फाइंड करने के लिए भी ब्रेड फर्स्ट सर्च हम यूज करते हैं। इससे पहले कि हम ब्रेड फर्स्ट सर्च शुरू करें, चलिए देखते हैं इसमें जनरल टर्म्स क्या यूज होने वाले हैं। So, पहला है ब्रेड फर्स्ट फॉरेस्ट। ब्रेड फर्स्ट फॉरेस्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ ट्री है जिसको कि हम ट्रेवल्स करने वाले हैं, और हम कोई एक रूट से शुरू करेंगे जो कि एक फर्स्ट ट्री कहलाएगा। जैसे जैसे हम नए वर्टिसेस को विजिट करते जाएंगे, ये वर्टेक्स ये रूट के साथ एड होते जाते हैं। मान लीजिए ये ग्राफ दिया है, तो ये जो ब्रेड फर्स्ट सर्च में एक लेवल वाइज हम लोग सर्च करते हैं। मान लीजिए वर्टेक्स 1 से अगर हम शुरू करते हैं, तो वर्टेक्स 7, 2 और 4 एक लेवल में होंगे, वर्टेक्स 5 और 6 और एक लेवल में होंगे, फिर वर्टेक्स 3 और एक सेपरेट लेवल, वर्टेक्स 8 और एक सेपरेट लेवल में होगा। सेकंड टर्म है ट्री एज। जैसे जैसे हम वर्टिसेस को ग्राफ में एड करते जाते हैं, कोई भी अगर वर्टेक्स ग्राफ के साथ ऐड होता है तो उसके साथ एक एज भी एसोसिएट रहता है, इसी एज को हम ट्री एज कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है क्रॉस एज। क्रॉस एज वो एज है, अगर हम अभी एक वर्टेक्स में हैं और इसका जो एज है वो प्रीवियसली विजिटेड वर्टिसेस का साथ अटैच्ड है, तो इसी एज को हम क्रॉस एज कहेंगे। जैसे कि यहां पर मान लीजिए वर्टेक्स 2 जो है पहले से ट्रावर्स किया गया है, और हम इसी रूट में वर्टेक्स 7 के बाद वर्टेक्स 5 में आए हैं, और वर्टेक्स 5 का जो एज है वो वर्टेक्स 2 के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये वाली एज को हम क्रॉस एज कहेंगे। सिमिलरली हम ये एज्यूम कर रहे हैं यहां पर, तो वर्टेक्स 4 पहले से ही ट्रावर्स है और कोई और पाथ में हम वर्टेक्स 6 में पहुंचे, सो वर्टेक्स 6 से वर्टेक्स 4 तक एक एज है, तो जो वर्टेक्स 4 पहले से ही ट्रावर्स है, तो ये वाली एज को हम क्रॉस एज कहते हैं। चलिए देखते हैं ब्रेड फर्स्ट सर्च का क्या स्टेप्स होते हैं। पहले तो ये करेंगे कि कोई एक वर्टेक्स सिलेक्ट करेंगे कि जहां से कि हम शुरू कर सके, इसको हम करंट लेवल बोल के कहेंगे। फिर उसके बाद हर एक नोड जो कि करंट लेवल में है उसको ट्रावर्स करने के बाद उसके जो एडजेसेंसी या फिर नाइबर नोड्स हैं उसको विजिट करेंगे, और उस लेवल में जितने भी वर्टिसेस हैं उन सबको विजिट करेंगे, और ये जो नया लेवल होगा वो नेक्स्ट करंट लेवल होगा। तो स्टेप 2 हम तब तक करेंगे जब तक के सारे सारे वर्टिसेस कवर ना हो जाएं। उसके बाद द फोर्थ स्टेप में फर्स्ट स्टेप को हम रिपीट करेंगे जब तक के सारे वर्टिसेस कवर ना हो जाए। चलिए इसको ये वाली ग्राफ के एग्जाम्पल से लेके देखते हैं। तो पहले क्यू लेंगे, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि वर्टेक्स 1 से शुरू कर रहे हैं, तो वर्टेक्स 1 से जब शुरू कर रहे हैं वर्टेक्स 1 को हम क्यू में ऐड कर देंगे। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। तो जब हम क्यू में ऐड करते हैं इसको रेड सर्कुलर में मार्क कर दिए। नेक्स्ट स्टेप है, ये क्यू में एक ही एलिमेंट है इसलिए वो एलिमेंट को हम डिलीट करके इसको ट्रावर्स बोल के लिखेंगे, और इसका जो एडजेसेंसी वर्टिसेस है 7, 2 और 5 ये तीनों को क्यू में ऐड कर दें। तो यहां पर क्यू का फ्रंट में हो गया 7 और रियर में हो गया 4। क्यू का फ्रंट का एलिमेंट 7 उसको डिलीट करेंगे, और उसका नाइबरिंग एलिमेंट जो है 5 उसको हम क्यू में ऐड करेंगे और 7 को ट्रावर्स करके मार्क करेंगे। सो पहले 5 को ऐड कर दिए और इसको 7 ट्रावर्स करके मार्क कर दिए। सो क्यू का फ्रंट में है 2 और रियर में है 5।
तो डिलीट करेंगे फ्रंट ऑफ द क्यू से और इसको ट्रैवर्स मार्क करेंगे और 2 के जितने भी एडजेसेंसी वर्टिसेस हैं जो कि 5 और 6 उसको हम क्यू में ऐड करेंगे, लेकिन 5 ऑलरेडी ट्रैवर्स्ड है इसलिए इसको हम ऐड नहीं कर सकते, तो वर्टेक्स 6 को हम ऐड करेंगे और इसको हम ट्रैवर्स करके मार्क कर देंगे। अभी फ्रंट ऑफ द क्यू में है 4, सो 4 को डिलीट करेंगे और इसका एडजेसेंसी में है वर्टेक्स 6, सो उसको हम क्यू में ऐड कर देंगे। अभी क्यू का फ्रंट में है 5, 5 को हम डिलीट करते हैं और इसको ट्रैवर्स्ड बोल के लिखते हैं और 5 का जो एडजेसेंसी वर्टेक्स है 7 और 2 उसको ऐड करना चाहिए, लेकिन ये ऑलरेडी ट्रैवर्स है इसलिए इसमें क्यू में कोई ऐड करने का दरकार नहीं है, सिंपली इसको हम मार्क कर देंगे, ये ऑलरेडी ट्रैवर्स्ड है। और 2 से 5 तक एक डॉटेड लाइन है जिसको कि इंडिकेट करता है कि एक क्रॉस एज है। फ्रंट ऑफ द क्यू में 6 है तो 6 को भी हम ट्रैवर्स करेंगे। 6 का नाइबरिंग एलिमेंट है 3 और 4, 4 ऑलरेडी ट्रैवर्स्ड हो चुका है इसलिए 3 को मार्क करेंगे और 3 को ऐड कर देंगे हम क्यू में। अब फ्रंट ऑफ द क्यू में है 3, उसको डिलीट करेंगे और उसका एडजेसेंसी वर्टेक्स 8, उसको हम क्यू में ऐड करेंगे। लास्ट में है वर्टेक्स 8 को हम डिलीट करेंगे, तो कोई भी और वर्टेक्स नहीं बचा है जिसको कि हम ट्रैवर्स कर सकें, तो इसको भी हम मार्क कर दिए। तो ये हो गया हमारा एक ब्रेथ फर्स्ट ट्री। चलिए इसी एग्जांपल को डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट से देखते हैं। अभी जो प्रॉब्लम किए थे हम 1 को स्टार्टिंग पॉइंट लेके किए थे, चलिए अभी 2 को स्टार्टिंग पॉइंट लेके देखते हैं सेम प्रॉब्लम को, क्या डिफरेंसेस हैं इसमें। सेम क्यू ले लिए, क्यू को स्टार्टिंग पॉइंट लेने के बाद 2 को हम क्यू में ऐड कर दिए और 2 जैसे कि फर्स्ट एक ही एलिमेंट है, क्यू 2 जैसे कि एक ही एलिमेंट है इसको हम डिलीट कर देंगे फ्रंट ऑफ द क्यू से और इसके एडजेसेंसी वर्टेक्स को क्यू में ऐड करेंगे। सो फ्रंट ऑफ द क्यू में हो गया 1, तो नेक्स्ट स्टेप में 1 को हम क्यू से डिलीट करेंगे और इसको ट्रैवर्स मार्क करेंगे और इसके एडजेसेंसी वर्टेक्स 4 और 7 को क्यू में ऐड करेंगे। क्यू का फ्रंट में है 6, 6 को हम डिलीट करेंगे और इसको ट्रैवर्स मार्क करके इसके एडजेसेंसी वर्टेक्स जितने भी हैं इसको क्यू में ऐड करते हैं। 6 का एडजेसेंसी वर्टिसेस है 3 और 4, 4 ऑलरेडी क्यू में है इसीलिए कुछ नहीं करेंगे, 3 को हम क्यू में ऐड कर देंगे और 6 को मार्क कर देंगे हम एज ए ट्रैवर्स। तो फ्रंट ऑफ द क्यू में है अभी 5, सो 5 को ट्रैवर्स करेंगे, 5 को पहले डिलीट करेंगे क्यू से और इसके जो नाइबरिंग एलिमेंट 7 इसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि 7 ऑलरेडी क्यू में है इसलिए हमको कुछ करना नहीं है, खाली इसको मार्क कर देना है ट्रैवर्स बोल के। फ्रंट में है 4, तो 4 को हम डिलीट करेंगे और इसका जो एडजेसेंसी वर्टिसेस को ऐड करेंगे, इसका कोई एडजेसेंसी वर्टिसेस नहीं है सो कुछ करना नहीं है, फ्रंट से इसको खाली डिलीट कर देना है और इसको मार्क कर देना है एज ट्रैवर्स। सो फ्रंट ऑफ द क्यू में अभी है 7, सो 7 को डिलीट करेंगे और इसके एडजेसेंसी वर्टिसेस को हम क्यू में ऐड करेंगे, तो इसका एडजेसेंसी कोई वर्टिसेस नहीं है तो सिंपली इसको डिलीट कर दिए। नेक्स्ट फ्रंट में है 3, सो 3 को डिलीट करेंगे और इसका एडजेसेंसी वर्टिसेस को हम क्यू में ऐड करेंगे, सो 8 क्यू में ऐड हो गया और इसको मार्क कर दिया हम लोग ट्रैवर्स बोल के। अब क्यू के फ्रंट में है 8, 8 को हम डिलीट करके देखेंगे इसका कोई और वर्टिसेस नहीं है जिसको कि हम ऐड कर सकें क्यू में, तो इसको हम डिलीट करके मार्क कर देंगे एज ट्रैवर्स। तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग विद वर्टेक्स 2 ब्रेथ फर्स्ट ट्री। सो अगर हम 1 से शुरू करते हैं तो हमको ये एक ब्रेथ फर्स्ट ट्री मिला और अगर हम 2 से शुरू करते हैं ये एक दूसरा ब्रेथ फर्स्ट ट्री मिला। चलिए इसको एल्गोरिथम से समझ लेते हैं। एल्गोरिथम ब्रेथ फर्स्ट सर्च ऑफ ग्राफ जी जो पैरामीटर है उसको पास किया गया है, क्यू क्रिएट करेंगे जिसमें कि हम एडिशन से वर्टिसेस रखेंगे और विजिट और एक एरे है जिसमें कि आइदर 0 और 1 रहेगा। 1 इंडिकेट करेगा कि ऑलरेडी वर्टेक्स ट्रैवर्स हो चुका है और 0 इंडिकेट करेगा कि ये वर्टेक्स ऑलरेडी ट्रैवर्स नहीं है। तो एक व्हाइल लूप लिए, ये व्हाइल लूप जब तक चलेगा जब तक कोई भी अनविजिटेड वर्टेक्स बाकी रहेगा। अगर V एक अनविजिटेड नोड है तो विजिट ऑफ V को 1 करेंगे और इसको क्यू में रख लेंगे और एक व्हाइल लूप है
क्यू एम्प्टी नहीं होने तक ये चलता रहेगा। ये क्या करेंगे हम लोग, हम लोग ये क्यू का फ्रंट से डिलीट करेंगे और जितने भी अनविजिटेड नाइबर हैं वो एलिमेंट के, उनको हम विजिटेड लिख के उसको हम क्यू में डालते जाएंगे। सो ये लूप पूरा तब तक चलता जाएगा जब तक कि जी में अब तक कोई भी अनविजिटेड वर्टेक्स बाकी रहा। तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। अगर ये ग्राफ को हम एडजेसेंसी लिस्ट से क्रिएट करते हैं, एटलीस्ट एक बार एन क्यू और एक बार डी क्यू होता है और हमको सारे के सारे वर्टिसेस कवर करने के लिए नंबर ऑफ एजेस टाइम लगते हैं। सो अगर हम एडजेसेंसी लिस्ट लेते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा ब्रेथ फर्स्ट सर्च का, बिग ओ ऑफ नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस नंबर ऑफ एजेस। लेकिन अगर हम इसको एडजेसेंसी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग ओ ऑफ वी स्क्वायर। ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए और सीखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों से और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आने वाले वीडियो में फिर एक बार मिलते हैं।